सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंजॉय लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। और ये गाँव की क्लिप है और इस व्लॉग में बस मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ कुछ शेयर, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड वगैरह तो कुछ भी नहीं किया। जो भी मैं थोड़ा बहुत क्लिप लेती जाती थी वो सारा मैंने ऐड करके और वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ। सो ये सैटरडे को हम लोग गाँव गए थे जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी, और ये संडे की नाइट का क्लिप है। रात के 9 बजे अचानक हम लोगों को आना पड़ा क्योंकि दादी से बात हुई तो दादी बोली तबीयत ठीक नहीं है उनकी, दिन भर से उन्होंने नहीं बताया। और रात में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था बट सब कुछ छोड़ के, और रात के 9 बजे हम लोग निकले जबलपुर के लिए। मामा जी ने बहुत रोका कि रात में बच्चे को लेके मत जाओ, लेकिन इमरजेंसी थी क्योंकि दादी के पास भी कोई नहीं था इस वजह से, वरना हम लोग मंडे को मॉर्निंग में आते। सो रात में और यहाँ हम लोग हो गए हैं संस्कार धानी में एंटर, और मतलब खाना भी किसी ने नहीं खाया था। खाना को भूख लगी थी, रास्ते में हम लोग चिप्स के लिए भी नहीं रुके, और उसके बाद मतलब सारा हाईवे है, कहीं पे कुछ शॉप कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। सोचा भी कि कहीं रुक के खाना खा लें, बट उसमें भी हम लोगों को लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएं क्योंकि देर हो जाती है यदि खाने वाने के लिए रुक रहे। और यहाँ पे बस कुछ पैक करा रहे थे और दवाइयाँ लेना थी दादी के लिए। कान्हा को मना रहे थे, ये कान्हा गुस्सा हो गए थे प्यासे जी मना रहे, और मैंने एक क्लिप में बोला था ना कि ये चिड़िया ने घोंसला बनाया है मुझे वो दिखाना है, तो बस मैंने सोचा ये क्लिप ले लेती हूँ। और फिर ये क्लिप है ट्यूसडे का, तो सिस्टर को जाना है शादी में तो बस उसी के साथ लहंगा देखने के लिए गए थे कि कौन सा क्या सही है, क्योंकि वो मेरे बिना कुछ भी नहीं करती। और बस ये मैं यहाँ मतलब मेहमान आए हुए थे घर पे बहुत सारे, और ये क्लिप है वेडनेसडे थर्सडे का। मैं शूट करने की सोच रही थी बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, कोई ना कोई आ जाता है। और अभी मैं इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ कि हर किसी के सामने वीडियो ऐसे शूट कर सकूँ, फ़ोन रख देती हूँ वो शूट कर सकती हूँ, बट ऑन कैमरा मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ ये सब नहीं हो सकता। और बस ये बन रहा है खाना, रोटियाँ। बस मैं सुबह जल्दी से, मम्मी भी आ गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो यहीं आ गई थी गांव से जबलपुर। तो रोटियां मैं और मम्मी बस सुबह जल्दी सेक लेते थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। बाकी का फिर सारा काम, बट फिर भी मेरा 9:30-10 बजे तक सारा खाना बन जाता था। बस यही सब है इस वीडियो में, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पा रही थी शूट। बस यहाँ पे थालियाँ लग रही हैं सबके लिए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं ज़्यादा कुछ ना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ चैनल पे, बट हाँ जल्दी ही मैं एक्टिव होंगे। और ये रात में प्यासी जी और जीजा जी थे वो दूसरे रूम में सोने जा रहे थे, तो कान्हा रो रहे हैं कि नहीं पापा मुझे आपके ही साथ सोना है, जाने नहीं दे रहे थे पापा को। तो ये सारा कुछ था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।